हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एथिक्स के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत की समीक्षा। अभी हमारा प्रोटो प्लेटो चल रहा है मेरे व्हाट्सएप जो पेड ग्रुप है उस एथिक्स के में, और अभी हमने भी जो एथिक्स का जो लास्ट वीडियो पढ़ा था उसमें प्लेटो के बारे में ही पढ़ा था। प्लेटो के जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, इस प्रकार से हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा था और प्लेटो की प्रवृत्तियाँ भी पढ़ी थी न्याय की। तो और आज हम उनके न्याय सिद्धांत की समीक्षा कर रहे हैं, कुछ आलोचनात्मक पहलू भी हैं जो अलग अलग लोगों ने उनकी आलोचनाएँ करी हैं। तो समीक्षा मतलब हमको उनकी पॉजिटिव वे भी लिखना है और नेगेटिव वे भी लिखना है। सबसे पहले, पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप के अपडेटेड प्रश्न हैं। आपको पता ही होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं कि मेरे 21 पेड ग्रुप हैं। 21 पेड ग्रुप मतलब मैंने उनको, आप मेरे जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने 21 रजिस्टर बनाए हुए हैं। इन 21 पेड ग्रुप में अपडेट दिया जाता है समय समय पर। ये जो अपडेट होता है ये नए नए आंसर्स फ्रेमिंग होती है जो मेरे ही द्वारा लिखी होती। किसी भी कोचिंग का नोट्स मैं उन पेड ग्रुप में नहीं देती। हाँ, अगर किसी कोचिंग का कोई टेस्ट या कोई मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने पब्लिक ग्रुप में दे देती हूँ। जो पब्लिक ग्रुप में वो सभी लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने नोट्स लिया है या नहीं लिया है। तो टोटल मिला के मेरे 22 ग्रुप होते हैं, 21 पेड ग्रुप होता है और एक पब्लिक ग्रुप होता है। तो पब्लिक ग्रुप में आपको सभी कोचिंग्स का भी कोई भी अच्छा मटेरियल दिखता है या कोई करंट का इशू होता है, कोई बात होती है, कोई अपडेट होता है हमारे एग्ज़ाम के संदर्भ में, तो मैं वहाँ दे देती हूँ। तो आपने अगर मेरे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। मेरे नोट्स अभी हैंड रिटर्न है, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में है, उनके साथ 21 पेड ग्रुप है, वहीं पर आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी कुछ ही दिनों बाद। तो मेरे नोट्स की प्राइस जो है 8500 रुपये है, जो अगर आप MP में रहते हैं तो 8500 रुपये में पड़ता है। अगर आप आउट ऑफ MP रहते हैं जैसे कि साउथ में या कहीं पे, तो आपका कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, वहाँ पर भी आप जुड़ जाइएगा। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या बोलता है? प्लेटो का ग्रंथ है रिपब्लिक। आपको 3 नंबर में आ सकता है रिपब्लिक पर लेख लिखो। अब आपको रिपब्लिक किसका ग्रंथ है ये लिखना है, किसके बारे में बताया है ये लिखना है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की समीक्षा में, प्लेटो का रिपब्लिक नामक ग्रंथ राजनीति के इतिहास में अर्थशास्त्र पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो का जो रिपब्लिक नामक ग्रंथ है वो राजनीति के इतिहास में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। जितने भी राजनीति के अभी तक के इतिहास लिखे गए हैं उनमें ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ नैतिकता की अच्छाई से है। नैतिकता की अच्छाई से है मतलब आप कितने ज़्यादा नैतिक हो सकते हैं। तो नैतिकता की अच्छाई से प्लेटो का न्याय, जो न्याय हम लोग जो न्याय मानते हैं, हम लोग जो कानून मानते हैं, वो प्लेटो का न्याय नहीं है। प्लेटो के अनुसार न्याय नैतिकता की अच्छाई है। वह न्याय को धर्म की जगह प्रयोग करता है। हमारे अनुसार न्याय अलग है और प्लेटो के अनुसार न्याय मतलब धर्म, धर्म के अनुसार हम लोग जो कहते हैं हमको धर्म के मार्ग पर चलना है, तो वो हमारा ये जो कथन है हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, प्लेटो के अनुसार वो न्याय है। अब न्याय सिद्धांत क्या है? प्लेटो ने महसूस किया कि उपरोक्त सभी सिद्धांत राज्य की अराजकता और अव्यवस्था को दूर करने में असमर्थ है। प्लेटो ने महसूस किया कि और जितने भी उसने सिद्धांत बनाए हैं वो राज्य की अराजकता को और अव्यवस्था को दूर नहीं कर सकते। प्लेटो के अनुसार न्याय को कृत्रिम वस्तु समझना उपरोक्त सिद्धांतों में परिलक्षित होता है एक बड़ी भूल है, क्योंकि एक ये आंतरिक वस्तु, उन्होंने बोला कि न्याय को कृत्रिम वस्तु समझना एक बहुत बड़ी भूल है। न्याय आत्मा का अविभाज्य अंग है। न्याय तो एक आत्मा का अविभाज्य अंग है जो हमारी आत्मा में रहता है, जिसको हम अपने आत्मा से अलग नहीं कर सकते हैं, ना केवल मनुष्य का बल्कि राजा का भी। न्याय आत्मा का अंग है और ये जो आत्मा का जो अंग है वो ना मनुष्य का है बल्कि ये राजा का भी। चाहे राजा हो या चाहे मनुष्य हो, न्याय सभी का अविभाज्य अंग होता है। इस प्रकार न्याय राज्य का गुण नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। प्लेटो बोलते हैं कि जो न्याय है वो राज्य का केवल गुण नहीं है बल्कि उसकी आत्मा है। अपने न्याय के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने के लिए प्लेटो ने पहले मनुष्य की प्रकृतियों का अध्ययन किया। ये प्रकृतियों नहीं है, प्रवृत्तियों है, सॉरी मुझसे गलती से लिखा गया है, मनुष्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन किया।
बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो विचारक हैं इनसे सब मैं आपको बताऊंगी कि मैं ग्रुप में अपडेट कैसे देती हूँ विचारकों से संबंधित। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये अपना एथिक्स के ग्रुप में लेके चलूंगी और वहाँ पे किस तरीके के अपडेट दिए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। उस आगे देखते हैं कि उसके अनुसार जब मनुष्य को प्रकृति की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तब प्रवृत्ति के अनुसार उसे कार्य भी दिया जाएगा। इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जब मनुष्य कार्य करेगा तब कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकेंगे। जैसे मनुष्य की प्रवृत्ति होगी वह उसी के अगर किसी मनुष्य को किसी चीज़ का शौक है तो वह उस कार्य को करेगा तो उसको ज़्यादा सफलता मिलेगी। अदरवाइज अगर वो उसको किसी काम में शौक नहीं है, उसको मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है और वह उस काम को करेगा तो उस काम में उसको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि वो उस काम को उतने मन से नहीं कर पाएगा। तो यही प्लेटो बोल रहे हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अब हमने ये देखी फ्लो चार्ट में विशेषताएँ लिखी हैं। पहली है आत्मा की आवाज़। फ्रेंड्स ये मेरे एथिक्स के नोट्स हैं, इनकी प्राइस 490 रुपीज़ है। 490 रुपीज़ में आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा और 1000 रुपीज़ में आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। 490 रुपीज़ में सॉफ्ट कॉपी के साथ आपको मिलेगा करीब 150 से 200 आपको केस स्टडी मिलेंगी। ऐसे ही हार्ड कॉपी में आपको केस स्टडी मिलेंगी, आपको कहीं बाहर से केस स्टडी नहीं पढ़ना है। इन्हीं केस स्टडी को आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, इनसे बाहर एक भी किस केस स्टडी नहीं जाएगा। हर टाइप की केस स्टडी, करंट इशू हो चाहे कोई भी इशू हो, हर टाइप की केस स्टडी हम अब आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एथिक्स आपका 490 में सॉफ्ट और 1000 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं न्याय सिद्धांत की विशेषता। न्याय सिद्धांत की विशेषता क्या है? नंबर 1 आत्मा की आवाज़। नंबर 2 विशेष कार्य का सिद्धांत। विशेष कार्य में क्या क्या होता है? क्षुधा, साहस और विवेक। तीसरा है दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना। न्याय के रूप कौन? न्याय के रूप हो जाएगी। नेक्स्ट विशेषता क्या? व्यक्तिगत और सामाजिक। न्याय के रूप कौन से हैं? व्यक्तिगत और सामाजिक। फिर है नैतिक न्याय, फिर न्याय एकता का सिद्धांत। मतलब प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता क्या? उनका न्याय आत्मा में है। विशेष कार्य का सिद्धांत क्षुधा, साहस, विवेक, ये सभी न्याय के द्वारा होते हैं। दार्शनिक शासक द्वारा न्याय की स्थापना। न्याय के 2 रूप होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय, नैतिक न्याय और न्याय एकता का सिद्धांत। अभी तो हमने पढ़ा न्याय के बारे में कि प्लूटो अपने न्याय के बारे में क्या बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि न्याय सिद्धांत की आलोचना, उनकी न्याय सिद्धांत की आलोचनाएँ क्या क्या बोलती हैं, कि उनके बारे में क्या क्या आलोचनाएं हैं। तो आलोचनाएं में फ्रेंड्स इस प्रकार से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इस पे से ही वो लोग जिनकी राइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर है, या हम आपने मेंस दिया है तो आपने देखा होगा शुरू की जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही हम लास्ट तक जाते हैं हमारी राइटिंग बहुत बिगड़ने लगती है। उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है फ्लो चार्ट बना दें। फ्लो चार्ट में क्या होता है, पेज सुंदर दिखने लगता है, वह राइटिंग कोई मैटर नहीं करता और हम अपना आंसर भी बहुत जल्दी लिख पाते हैं और शॉर्ट वे में भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट का आपको यूज़ करना है। मेरे नोट्स में सभी में फ्लो चार्ट मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है। मेरे नोट्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास समय नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं और आपको काम चलते नहीं कर पाते हैं, तो आपको ज़रूर है ये नोट्स परचेस करना चाहिए। आपको बस इनको याद करना है, अपना रीड करना है, राइटिंग करना है, बस इनको ही पढ़ना है पूरे मेंस तक। उसके अलावा भी ग्रुप में मैं अपडेट देती हूँ, उनको लिखना है अपने 21 रजिस्टर में। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इधर उधर की बातों में नहीं पढ़ना है, बस इन्हें ही पढ़िए, ज़्यादा मत वो कीजिए। ये मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, अपने हाथों द्वारा बनाए गए हैं मैंने ये, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। आलोचनाएँ में क्या लिखा गया है कि श्रम विभाजन का निराधार है। श्रम विभाजन निराधार है, यहाँ पे जो श्रम का विभाजन किया है उसका कोई आधार नहीं है। बहुत ज़्यादा एकता की बात कर दी गई, इतनी एकता में कोई रहता नहीं है। निरंकुशता का यह प्रतीक है, राजा अपने ही बारे में सोचता रहता, अपनी आत्मा की सोचता है। सर्वांगीण विकास के प्रति उदासीनता। प्लेटो के जो न्याय हैं उसमें सर्वांगीण विकास के प्रति उदासीनता दिखाई दी गई है। कानूनी मान्यता का अभाव, कानूनी कोई मान्यता नहीं है न्याय में। हमारे यहाँ न्याय मतलब कानून से जोड़ा जाता है, लेकिन प्लेटो के न्याय में कानून वाली कोई चीज़ नहीं है। अधिकारों के प्रति उदासीनता, प्लेटो के जो न्याय हैं उसमें अधिकारों के प्रति उदासीनता दिखाई दी गई है। सामान्य जनता की उपेक्षा, सामान्य जनता की उपेक्षा की गई है।
एक राज्य में तीन राज्य और एक राज्य में तीन राज्य की राज्य की बात कही गई है जो कहीं से कहीं तक सार्थक नहीं है। तो ये प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत की आलोचना है। अब हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं, निष्कर्ष ज़रूर लिखना है हमको, कि सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि प्लेटो ने राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करके राजनीतिक चिंतन में नैतिकता को प्रमुखता प्रदान की है। राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करके राजनीतिक चिंतन में नैतिकता को प्रमुखता प्रदान की है। मतलब वो जो उनका न्याय जो है ना, मेनली उनका नैतिकता पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। हमारे जैसा कानून नहीं है, आत्मा की आवाज़ है। जिसकी आत्मा जितनी अच्छी होगी, जो आत्मा कहेगी, जो आत्मा जितनी नैतिकता में रहेगी, वही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ न्याय होगा। तो प्लेटो के अनुसार ये कहा गया है। ये हमने पूरा पढ़ा, पहले हमने इंट्रो पढ़ा कि न्याय क्या है। न्याय पहले हमने इंट्रो पढ़ा प्लेटो के, जो न्याय सिद्धांत किस में बोला गया है, रिपब्लिक ग्रंथ में बोला गया है। फिर हमने न्याय सिद्धांत पढ़ा पूरा, फिर हमने उनके न्याय सिद्धांत की विशेषताएं पढ़ी और फिर हमने उनकी आलोचनाएं पढ़ी। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से पूरे मेरे आंसर फ्रेम किए हुए हैं मेरे नोट्स में। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज़ इंट्रो निष्कर्ष जहाँ जहाँ हमको दुखना है एग्जाम नोट्स में। आप इतना आपको खुद अपडेट करना पड़ता है, खुद नोट्स बनाना पड़ता है, कहाँ हम इंट्रो लिखे, कहाँ हम निष्कर्ष लिखे, या आपको पूरा का पूरा फ्रेम मिल रहा है, बस याद करना। ये मेरे फ्रेंड्स नोट्स हैं हार्ड कॉपी के, ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। केवल 8500 रुपये इसकी प्राइस है। नोट्स की रेट आपके नॉर्मल नोट्स से इसलिए महंगा है क्योंकि मेरे प्रिंटेड नोट्स नहीं है, मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ। प्रिंटेड नोट्स जो होते हैं बहुत कम में प्रिंट हो जाता है, जबकि हम कॉपी कराते हैं तो कॉपी कराने का तो आप लोग जानते ही हैं, आपने फोटोकॉपी कराया होगा, तो कॉपी कराने का चार्ज ज़्यादा होता है। प्लस मैं वाइंडिंग कराती हूँ, वाइंडिंग के साथ जो आगे का जो पेज है वो मैं ग्लॉसी सीट लगाती हूँ। ग्लॉसी सीट इसलिए लगवाती हूँ कि ताकि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगे और आपको सुंदर तरीके की आपको एक कॉपी प्रोवाइड हो। तो आपको क्या होता है, कोई चीज़ जितना सुंदर होता है उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैंने उसी तरह से सुंदर कॉपीज़ बनाई हैं अलग अलग कलरफुल में। और फ्रेंड्स, अगर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप प्री के नोट्स चाहते हैं, मेंस के नोट्स चाहते हैं हैंड रिटन, तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज रात को या कल सुबह में मेरे पूरी अनबॉक्सिंग बताऊंगी मेरी 25 फाइल्स की, नोट्स की, तो आप स्वयं देख सकते हैं। और उसके अलावा भी मेरे सभी नोट्स सामने हैं आप लोगों के, उन्हीं से ही मैं नोट्स बनाती हूँ। बहुत सारे नोट्स का मैंने रिव्यू भी पूरे नोट्स का दे दिया है, कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है कि मेरे में ये नहीं है। टोटल जितना भी नोट्स है, जितने भी पेजेस हैं, सब आपके सामने रहता है। तो जो आपको मैं पढ़ाती हूँ वही मेरा नोट्स है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।